नमस्कार दोस्तों, आज ज़्यादातर लोगों की जिस तरह की लाइफस्टाइल है या वो जो खा रहे हैं उससे एक बात तो पक्की है कि वो हेल्दी तो नहीं रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कई तरह की बीमारियां अपनी चपेट में लेने को तैयार बैठी है। दोस्तों, डायबिटीज़ भी उन्हीं में से एक बीमारी है जो पूरे वर्ल्ड में एक महामारी की तरह फैल रही है। दोस्तों, खराब जीवन शैली, तनाव और गलत खान पान, ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से शरीर के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। डायबिटीज़ से राहत पाने के लिए लोग जिंदगी भर दवाइयों पर निर्भर रहते हैं, जबकि इस रोग से राहत पाने के लिए दवाइयों के साथ सही खान पान और एक्सरसाइज की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसे ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो बताते हैं कि डायबिटीज़ को नेचुरली कम किया जा सकता है अगर इन 3 ड्राई फ्रूट का सेवन किया जाए तो। तो चलिए अब आपको बताते हैं वो 3 ड्राई फ्रूट कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला ड्राई फ्रूट है अखरोट। दोस्तों, अखरोट बहुत ही फायदेमंद नट है। इसका फ़ायदे का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हेल्दी फैट, विटामिन, फाइबर और मिनरल्स का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है। अखरोट एक साधारण पौष्टिक नट है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो पाया ही जाता है, साथ ही इसमें अन्य नट की तुलना में सबसे अधिक हेल्दी ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है। अखरोट में विटामिन ई भी भरपूर मात्रा में होता है और इसमें कैलोरी भी काफ़ी कम होती है। दोस्तों, अखरोट टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मदद करता है। हाल ही में हुए एक अध्ययन में दावा किया गया कि अखरोट खाने वाले वयस्क लोगों में इसका सेवन नहीं करने वालों के मुकाबले टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा कम पाया गया। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो अखरोट डायबिटीज़ की समस्या में काफ़ी फायदेमंद होता है। बात करते हैं दूसरे ड्राई फ्रूट की, जो कि है काजू। दोस्तों, अगर नज़रों के सामने काजू रखा हो तो भला किसी को खाने का मन क्यों ना करे। ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा जिस नट्स को पसंद किया जाता है वह काजू ही होता है। काजू को लोग बड़े चाव से खाते हैं। यह सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। काजू एक लो फैट मेवा है जिसमें 75% फैट ओलिक एसिड होता है, जिसे मोनोसेचुरेटेड फैट के तौर पर भी जाना जाता है। यह शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। नियमित रूप से और सीमित मात्रा में अगर आप काजू का सेवन करेंगे तो इससे ब्लड डिजीज से बचने में मदद मिलती है और डायबिटीज़ को दूर करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं आखिरी नट, जो कि है तीसरा नट, वो है बादाम। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप रोज़ाना हेल्दी फूड खाएं तो आप बादाम का सेवन ज़रूर करें। बादाम खाकर आप अपने शरीर को हेल्दी और मजबूत बना सकते हैं। बादाम का सेवन करने पर ब्लड शुगर लेवल के एकदम बढ़ जाने की समस्या कंट्रोल में रहती है। एक अध्ययन के मुताबिक बादाम खाने से शरीर में इंसुलिन बनने लगता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। आज के टाइम पे यदि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन सेहत को दरकिनार अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़रूर गलत बात है। इसलिए अपने खान पान और एक्सरसाइज पर ज़रूर ध्यान दें, और ख़ास तौर पर अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं तो दोस्तों ये 3 नट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सीमित मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं तो कोई भी चीज़ कितनी भी फायदेमंद हो उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी, खास तौर पर डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, कि उनके लिए कौन कौन से ऐसे नट्स होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं इस बीमारी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि सभी इस जानकारी को जान पाएँ। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।